दोस्तों क्या तुम्हें पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल को अजीब से सुकून की अनुभूति होती है। घर पहुंचते ही बेशक माँ से कोई काम ना हो, लेकिन हमारा पहला सवाल यही होता है कि माँ कहाँ है। और माँ को देखते ही दिल को जो सुकून मिलता है वो सब आपको पता होगा। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग कैसे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने सुना है कि कभी माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता। उसने कहा, हाँ बेटा ठीक सुना है, लेकिन माँ मैंने कसम खाई है कि मैं आपका कर्ज चुका के रहूंगा, आप मुझे बताइए कि आपने मुझ पर क्या क्या एहसान किए हैं। उसने कहा, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, माँ का कर्ज क्या कभी किसी पर चुकता है? उसने कहा, नहीं माँ मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। वो लड़का दिन रात अपनी माँ की सेवा करने लग गया, उनको सुलाता नहलाता, उनको इतना प्यार करता जितना उसकी माँ ने उसको किया था। एक दिन माँ बेटे शाम को बैठे हुए थे और सामने दीवार पर एक कौवा बैठा हुआ था। माँ ने लड़के से पूछा कि बेटा ये क्या बैठा है दीवार पर सामने? तो लड़के ने कहा कि माँ कौवा है। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या बताया तूने? उसने कहा, माँ अभी तो बताया ये कौवा बैठा है। एक दो मिनट और निकल गए और माँ ने फिर से पूछ लिया कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? उसने कहा, माँ अभी तो बताया कौवा बैठा है, कौवा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? माँ ने कहा कि बेटा बुढ़ापा है ना, नजर कमजोर हो गई है। थोड़ी ही देर बाद माँ ने बातें करते करते फिर उसी बात पर आ गई कि बेटा ये सामने दीवार पर क्या बैठा है? उसने कहा, माँ तुमको समझ में नहीं आता, मैंने कितने बार बताया ये कौवा बैठा है। और जब बात करते करते थोड़ी देर और निकल गई तो माँ ने अंत में फिर पूछ लिया कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? बेटा इतनी बुरी तरह चिल्लाया कि माँ आपको समझ में नहीं आता ये कौवा बैठा है, ये कौवा बैठा है, ये कौवा बैठा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा? उसने कहा, बेटे जब तुम छोटे थे ना, तुमने एक बार नहीं हजारों बार पूछा था कि माँ ये दीवार पर क्या बैठा है, और मैंने हजारों बार उतनी ही शालीनता से तुम्हें बताया कि बेटा ये कौवा बैठा है, और तुम चौथी पांचवी बार में परेशान हो गए। दोस्तों माँ का जो कर्ज है वो ऐसा है जो किसी पर कभी नहीं चुका। क्या आपने कभी सोचा कि वो माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी? अगर किसी इंसान की 20 हड्डियां तोड़ दो या किसी इंसान को 100 बिच्छुओं से एक साथ डंक लगवा दो, उस इंसान को जितनी पीड़ा होती है उससे ज्यादा दर्द उस माँ को होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और जब हम उनसे पूछते हैं ना, तुमने हमारे साथ किया क्या है, तो दोस्तों वो माँ बाप का बहुत दिल दुखता है, दर्द होता है उन पेरेंट्स को जब तुम उनसे कहते हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। अरे शुक्र करो उनका कि तुम्हारा इस दुनिया में अस्तित्व है तो वो माँ बाप की वजह से है। अगर माँ ने इतना दर्द ना सहा होता तो इस दुनिया में आज तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है, है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है, वो माँ का प्यार है दोस्तों जो हम सब पर उधार रहता है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे ही जन्नत हो, जरा सोचो कि उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है मेरी माँ की बदौलत है, आए ऊपर वाले और क्या देगा तू मुझे, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। अरे फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में, दोस्तों दुनिया का यही एक प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा में हर राह सुनसान होती है, जिंदगी में माँ का होना जरूरी है, माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। मंजिल दूर और सफर बहुत है, मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। याद रखना माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं, कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, मगर साहब जब माँ बाप रोते हैं ना तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। हर रिश्ते में मैंने मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा मैंने मेरी माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी ना उसकी ममता में कभी मिलावट देखी।
रब ने माँ को ये आजमात कमाल की दी, रब ने माँ को ये आजमात कमाल की दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी। ऊपर वाले ने माँ के प्यार की कुछ इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के उसने माँ के कदमों में डाल दी। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं कि छोड़ो भी ना माँ, तुम नहीं समझोगी। अरे माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो दोस्तों, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। जो मांगू वो दे दिया कर, ऐ जिंदगी तू मेरी माँ जैसी बन जा। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अपनी तकदीर का लिखा देखूं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मेरी तकदीर का लिखा देखूं, बस एक माँ की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। याद रखना, माँ की दुआएं वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती हैं। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी हमसे खफा नहीं होती। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाओ में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। और अंत में मैं यही कहूंगा, जब चलते चलते मेरे पांव थक जाते हैं, लापरवाही से मेरे घाव पक जाते हैं, बह जाते हैं अपने सब और ढह जाते हैं सपने जब, बह जाते हैं अपने सब और ढह जाते हैं सपने जब, जब दिल के समंदर में भीषण बाढ़ आती है, सच बताऊं दोस्तों तब माँ बहुत याद आती है, तब माँ बहुत याद आती है। जय हिंद, जय भारत।